नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने सी हेल्थ कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं रोजमर्रा की लाइफ में पेश होने वाली उन तमाम बीमारियों के बारे में कि आप उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, कैसे आप अलर्ट हो सकते हैं। और इसी चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा सिंह, जो कि HOD हैं गायनिक विभाग की, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है, जिनसे आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। क्या कि सर्वाइकल कैंसर आजकल महिलाओं में इतना ज़्यादा क्यों देखा जा रहा है। सबसे पहले हम डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी जो हमारी होती है उसके दो मुख्य पार्ट होते हैं जी। तो एक तो बॉडी का होता है और एक बच्चेदानी का मुंह, जो हम हिंदी में कहते हैं वो सर्विक्स होता है जी। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं जी। जिसकी हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाओं में ये दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है जी। अगर हम इसकी बात कारण की बात करें कि किस वजह से होता है सर्वाइकल कैंसर के जो डेवलपमेंट है, जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं जी। इसमें एक है कि जो बहुत सफाई से महिलाएं नहीं रहती हैं और इन्फेक्शंस जिन्हें पकड़ लेते हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसी महिलाओं में कैंसर आगे चल के बन जाए। प्रमुख तौर पे कुछ इन्फेक्शन जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस हैं, पेपिलोमा वायरस है, हर्पी सिंप्लेक्स वायरस है, या जो HIV वाली महिलाएं हैं तो वायरल इन्फेक्शंस वाली जो महिलाएं जो इनसे ग्रसित होती हैं उनके सर्विक्स में कैंसर बनने के आगे चल के चांस काफ़ी होते हैं। और इसके अलावा जो महिलाओं की जल्दी शादी हो गई और जल्दी उनके सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो गई, जल्दी बच्चे हो गए, उनके भी चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि जब उम्र कम होती है तो उस वक्त जो सर्विक्स की जो सतह होती है वो उतनी वो कोमल होती है, तो उस समय अगर जल्दी शादी की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी शुरू हुई तो उनके चांस हैं कि आगे चल के कैंसर बन सकता है। फिर जिन महिलाओं के एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनमें कैंसर बन सकता है जी। अगर बात करें, जो आपने जैसे बताया कि अगर सबसे ज़्यादा मेन रीज़न देखा जाता है कि सेक्सुअल की वजह से होता है, जो लोग अगर किसी और व्यक्ति के संग में अगर ज़्यादा संबंध जो बनाती है उनमें देखा जाता है। अगर बात करें जो जिसके संबंध जो लोग नहीं बनाते हैं उनमें, नॉर्मल लोगों में भी देखा जाता है, तो उसका क्या कारण है। नॉर्मल लोगों में जैसे मैंने बताया कि जो इन्फेक्शंस की वजह से हुआ, कि जिन्हें इन्फेक्शंस हुए ज़्यादा, जिनकी डिलीवरी ज़्यादा हुई, क्योंकि हर डिलीवरी के साथ एक औरत का एक्सपोजर होता है इन्फेक्शन के लिए या अबॉर्शन के साथ, तो जिनके ज़्यादा बच्चे हैं या जिन्होंने ज़्यादा अबॉर्शन कराए हैं तो ऐसी महिलाओं में बिकॉज इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हैं इसलिए इनके भी चांस ज़्यादा हैं कैंसर बनने के। तो जो गाँव की महिलाएँ हैं जिनकी शादी भी कम उम्र में हो गई, 14 से 16 साल के बीच शादी हो गई, 18 साल से पहले उनके बच्चा हो गया, तो और फिर जब 18 साल से पहले पहला बच्चा होता है तो नेचुरली 5-6 बच्चे हो ही जाते हैं, तो उन इन महिलाओं में ज़्यादा चांस होता है कि आगे चल के कैंसर बन सकता है। डॉक्टर, अगर हम बात करें इसके लक्षण की, तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे महिलाओं को महसूस हो सके कि उसको सर्वाइकल कैंसर है या उसके कुछ मतलब प्रॉब्लम है, उसको दिखाना चाहिए। देखिए, इसमें एक महिला की जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कैंसर के लिए जी। इस कैंसर की एक सबसे मतलब एक तरह से कही जाए कि अच्छी बात ये है कि ये कैंसर हमें 10-15 साल का टाइम देता है जब हम इसको पहले ही कुछ तरीकों से पकड़ सकते हैं और बनने से पहले ही रोकथाम भी कर सकते हैं जी। तो अगर जैसे मैंने कहा इन्फेक्शन हुआ और महिला हमें दिखाने आती है जी, तो उस वक्त हम उसकी कुछ जांचें हैं जैसे कि हम लोग मतलब एक मरीज से तो जिस तरह महिला से बताते हैं कि नीचे के पानी की जांच, जो एक्चुअली पैप स्मियर होता है, वो हम करवाते हैं जिससे कि हम लोग इस चीज़ को बहुत पहले पकड़ के
कई तरीकों से उसे कैंसर बनने से रोक सकते रोक हैं। सकते हैं। और उसके अलावा एक कॉल्पोस्कोपी होती है जिसमें कि माइक्रोस्कोप होता है और उससे इस बच्चे नानी के मुंह को जांचा जाता है। उससे भी कैंसर को बनने से बहुत पहले ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और कई इलाज के तरीके हैं जिससे फिर आगे चल के कैंसर ना बने। और यह हमें लगता है कि इस महिला में कुछ ऐसी संभावनाएं हैं तो हम इलाज करके उसको फॉलोअप में रखते हैं। मतलब उसे कहते हैं कि भाई हर 6 महीने पे दिखाने आना है कि कहीं भी अगर हमें कोई भी वो लग रहा है कि इसमें बनने जा रहा है या संभावना है, तो हम समय रहते ही उसको पहले ही ट्रीट कर देंगे, इससे पहले कि वो कैंसर बने या फैले। जी। और एक्चुअली जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने जो WHO है उसने गाइडलाइन दी है। जी। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से तो जब सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है तो हमें पैप स्मियर, उस वक्त एक महिला को तभी से पैप स्मियर की जांच करानी है और हर साल करानी है। अगर उसकी 3 जांचें नॉर्मल आती हैं तो वो उसके 3 नॉर्मल जांचों के बाद हर साल की जगह वो हर 3 साल पे ये जांच कराती रहेगी 50 साल तक। जी। 50 साल पे अगर उसकी नॉर्मल है तो वो 5-5 साल पे कराती है। जी। तो अगर इतनी जागरूकता होगी तो बाहर के देशों की तरह हम अपने भारत से भी इस कैंसर को बहुत कम कर देंगे। जी। परंतु हमारे यहाँ क्योंकि अभी महिलाओं में इतनी जागरूकता नहीं है कि वो रेगुलर इस पैप स्मियर को, क्योंकि ये तो सरकार सारे सरकारी अस्पतालों में इसकी सुविधा उपलब्ध है, ICMR की स्कीम भी है जो जिसमें ये सुविधा उपलब्ध है, तो अगर महिलाएं अपना हर साल पैप स्मियर कराएं, उसको मेंटेन करें, नॉर्मल है तो हर 3 साल पे कराती रहें, तो उस महिला को तो आगे चल के ये दिक्कत आनी ही नहीं होगी। बाहर की कंट्रीज में यही है क्योंकि उनके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं, उनके हेल्थ चेकअप में पैप स्मियर इंक्लूडेड होता है, इसलिए वो महिलाएं जो हैं वो पहले ही डिटेक्ट होने की वजह से ये वहाँ कैंसर बढ़ ही नहीं पाता। और क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं है अभी, तो इसीलिए ज्यादा केसेस सर्वाइकल कैंसर के होते हैं। हमारे जब तक कोई केस ज्यादा बड़ा नहीं होता तो डॉक्टर के पास लोग जाते ही नहीं है। और अब हम जैसे लक्षणों पे आते हैं, तो जब ये हमारे पास आती हैं जब तक, तो अक्सर करके ये लोग काफी एडवांस, मतलब उस स्टेज पे होते हैं जहाँ केवल ऑपरेशन से ये सही नहीं हो सकते। इनके कोई आएगी कि मुझे पानी जा रहा था और अब उसमें मैला भी आने लगा है जी। कोई, जैसे ये लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि रमास जैसा पानी आ रहा है। कोई कहती है कि मेरे को लाइक नॉर्मल माहवारी की जगह अब कभी भी बीच में खून आ जाता है जी। या आपस में हस्बैंड से मिलने के बाद खून आ जाता है जी। ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। लेट उसमें तो ये देखते हैं कि ब्लीडिंग भी होती है और काफ़ी स्मेल वाली, गंदी स्मेल वाली ब्लीडिंग होती है। जब ये एडवांस हो जाता है और उस टाइम पे एडवांस स्टेज में तो ये कैंसर दर्द भी करता है उनको, कमर में और नीचे शरीर में दर्द भी होने लगता है। ये लेट स्टेज में दर्द होता है और पहली की स्टेज में तो डिस्चार्ज, गंदा पानी या ब्लीडिंग, यही समस्याओं के साथ ये आती हैं जी। डॉक्टर्स के साथ हम साफ सफाई की बात करें इसमें, तो किस तरीके से उनको अपनी, मतलब स्वच्छता का इसमें मेन महत्व है, तो किस तरीके से उनको उधर सफाई मतलब रखनी चाहिए कि ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना हो? सफाई में तो नेचुरली नहाते समय अपनी सफाई रखनी है और जो भी अपने वो कपड़े पहन रही हैं वो सफाई से धो के धूप में सुखा के रोज उसे चेंज करके रहें। और बाकी जो जो पति पत्नी कॉन्डोम वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनमें कैंसर के चांस उन फीमेल्स में कम होते हैं, ऐसा देखा गया है कि अगर हस्बैंड कॉन्डोम यूज़ कर रहा है तो वो फीमेल में कैंसर के चांस वो कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे क्योंकि इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं जी। बिल्कुल डॉक्टर, इसी के साथ अगर हम बात करें एज की, क्या ये कोई सर्वाइकल कैंसर अगर होता है तो कि एज लिमिट होती है कि इस एज के बाद चांसेस रहते हैं, या किसी भी एज में हो सकता है ये? नॉर्मली तो 35 साल के बाद ही होता है, 35 ईयर्स के बाद ही होता है और फिर 55-60 ईयर्स तक। एक इसकी दो बार पीक आती है, एक 35-45 और फिर एक 55-60 ईयर्स पे आती है जिसमें ये ज़्यादा पाया जाता है, पर वैसे ये बिटवीन 35-65 ईयर्स कभी भी मिल सकता है जी। डॉक्टर इसी के साथ अगर हम बात करें इसके इलाज की, तो इसके इलाज इसका किस तरीके से किया जाता है? क्या ये मेडिकल दवाइयों के द्वारा ठीक हो सकता है या सर्जरी ही करनी पड़ती है? अब ये डिपेंड करता है कि मरीज़ हमारे पास किस स्टेज में आया है जी। अगर हमने मरीज को अर्ली स्टेज में पकड़ा है जी, स्टेज 1 में है, तो स्टेज 1 में तो अगर उसका ऑपरेशन हो जाता है
तो वो 99% वो ठीक है, और उसमें अगर हमें ज़रूरत भी पड़ती है तो हम लोग उसके बाद उसे रेडियोथेरेपी देते हैं जी। रेडियोथेरेपी देने के बाद अक्सर ये लोग तो 90% ऑफ द पेशेंट सर्वाइव अच्छा करते हैं जी। लेकिन जहाँ वो स्टेज वन से स्टेज टू में पहुँचता है, जहाँ ज़्यादातर मरीज स्टेज टू या आगे ही टू या थ्री में आते हैं, तो उसके बाद उनको रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार ये होता है कि पहले हम रेडियोथेरेपी कराते हैं ताकि वो कैंसर थोड़ा श्रिंक हो जाए, उसके बाद हम सर्जरी करते हैं जब कैंसर थोड़ा फैला हुआ होता है। लेकिन इन पेशेंट्स में टाइम टाइम पे रेडियोथेरेपी भी इनको ज़रूरत पड़ती है, और यही वो मरीज़ हैं जो कभी आगे चल के जिनमें जो हम रिकरेंस कहते हैं कि कैंसर दोबारा बन गया, क्योंकि अगर हमने यूट्रस निकाल भी दिया है तो नीचे शरीर में दोबारा बन जाता है, उसके कुछ जो आम भाषा में कहा जाता है कीटाणु, हम लोग कहते हैं कि अंश या जो उस तरह के फैलने की वजह से कैंसर के रह गए, हमने रेडियोथेरेपी दी, लेकिन फिर भी किसी किसी केस में लेटर ऑन कुछ साल बाद रिकरेंस मिलती है। और कभी कभी तो मरीज़ जब फोर्थ स्टेज में आता है तब तो फिर ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ उस मरीज़ के लिए हम लोग कर नहीं पाते हैं। रेडियोथेरेपी देते हैं, उसको जो दर्द वगैरह है उसका ट्रीटमेंट देते हैं, बट इससे डेफिनेटली ये प्रतीत होता है कि जो स्टेज वन में आया उसका तो 90% सर्वाइवल हो गया, और जो स्टेज फोर में आया उसके लिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो मरीज़ जितनी जल्दी हमारे पास आता है उतना अच्छा हम उसका इलाज करके उसको अच्छी लाइफ दे सकते हैं। स्टेज वन में सर्जरी के रिजल्ट अच्छे हैं, स्टेज टू ऑनवर्ड सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने जैसे बताया कि अगर स्टेज वन या टू या फोर पे आते हैं तो उससे सर्जरी मतलब करने में आसानी रहती है और मरीज़ जल्दी ठीक हो सकता है, मगर अगर मैं बात करूँ उस सर्वाइकल कैंसर के बारे में, अभी हमारे भारत में कितनी अवेयरनेस लोगों में आई है और किस स्टेज पर आपके पास ज़्यादातर पेशेंट आते हैं दिखाने के लिए? अभी लेटेस्ट जो वैक्सीन आई, लगभग आज से 10 साल हो रहे हैं वैक्सीन को आए हुए जी, तो ये जो सर्वाइकल वैक्सीन आई तो उन लोगों ने अपनी वैक्सीन की वजह से एक अवेयरनेस या जागरूकता शुरू की, तो उस वजह से हमने ये देखा कि जितने भी मतलब स्पेशली शहरों में, गांव में तो अभी इतनी जागरूकता नहीं है, पर शहरों में जो थोड़ी भी महिलाएँ पढ़ी लिखी थी उन्हें ये वैक्सीन एक्चुअली लड़कियों के लिए होती है, मेनली ये 9 से और 14 साल की लड़कियों के लिए होती है, वहाँ इनका इसका प्रिवेंशन का रोल ज़्यादा अच्छा है लगवाने को। अब इंडिया में ये 45 साल की लेडी भी लगवा सकती है, बट इसका जो सबसे अच्छा रोल है वो 9 से 14 साल के बीच में है, क्योंकि हम इन्फेक्शन 14 साल के बाद होते हैं यूजुअली, और उससे पहले ये वैक्सीन लग गई तो इन्फेक्शन हुए ही नहीं। अब अगर कोई महिला इसको 30 साल में लगवा रही है तो हो सकता है इन्फेक्शन पहले ही हो गया, पहले ही हो गया। अगर उसे नहीं हुआ है तब तो वैक्सीन फ़ायदा करेगी, लेकिन अगर 30 साल के पहले ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी है तो वैक्सीन उतना फ़ायदा नहीं देगी। तो अब जो ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं ये अपनी बच्चों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए जागरूक हैं कि हम अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवा लें, एक तो ये है। दूसरा हमने एक चीज़ और भी देखी कि अब महिलाएं आ रही हैं जो मतलब 20s और 30s में हैं, मैरिड हैं जी, और वो भी ये कहती हैं कि हमको ये वैक्सीन लगवा दीजिए। तो वैक्सीन के जब वो वैक्सीन के लिए आती हैं तो नेचुरली हम लोग उनका पैप स्मियर कराते हैं, तो मतलब वो एक हमारे लिए एक जरिया हो गया कि वो उनको वैक्सीन के बारे में पता चला, वो डॉक्टर के पास वैक्सीन के लिए पहुंची और डॉक्टर ने उस टाइम उनका पैप स्मियर करा लिया जी। तो उसमें अगर हमने 100 महिलाओं का कराया और उसमें से हमें 2 एबनॉर्मल मिले तो वहीं हमने उनको ट्रीट कर दिया जी, तो उस तरह हमने कहीं ना कहीं कैंसर की रोकथाम की। तो वैक्सीन के आने से हमने ये देखा है कि जागरूकता पढ़ी लिखी महिलाओं में आई है, और वो उनमें अभी ये तो उन्हें नहीं पता कि ये पैप स्मियर की जाँच क्या है, पर क्योंकि वो वैक्सीन के बारे में पूछने वूछने आती हैं या लगवाने आती हैं तो उस बहाने से उनकी वो जांच हो रही है। हो रही है जी बिल्कुल। दर्शकों हम आपको बता दें आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ऋचा सिंह जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं। मगर अभी दर्शकों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ऋचा सिंह, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिनसे आज हम बात करें सर्वाइकल कैंसर के बारे में। ब्रेक के उस पर जाने से पहले हमने बात की थी कि सर्वाइकल कैंसर में वैक्सीन की क्या भूमिका होती है, और ये नई वैक्सीन आई है इसका किस तरीके से यूज किया जा सकता है, और हमारे भारत में इसकी क्या प्रोसेस है। मैम, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने इसे वैक्सीन के बारे में बताया तो कितने लोगों में अवेयरनेस आई है, और हमारे सरकार द्वारा किस तरीके से ये वैक्सीन मतलब दी जाती है मरीजों को। ये वैक्सीन HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की अगेंस्ट वैक्सीन है जी, और इस वैक्सीन की बस थोड़ी परेशानी यही है कि ये महंगी वैक्सीन है जी। ये लगभग 2500-3000 की वैक्सीन आती है, अलग दो कंपनियां बनाती हैं इसे इंडिया में जी, और इसकी 3 डोज लगती है जी। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 डोज का कॉस्ट 6-7 हज़ार आता है जी। अब जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है, उसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल हैं उसमें आई वैक्सीन जी लेकिन हमारे यहाँ मतलब क्योंकि हमारे अभी रिसोर्स लिमिटेड हैं जी तो जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं आती हैं तो बीच में ख़त्म हो जाती हैं। लाइक आई थी उस वक्त जो लाभार्थी आए उनको लाभ मिल गया उनसे हाँ, लग गई जी लेकिन फिर वो ख़त्म भी बीच बीच में ऐसा फेज भी होता है जब क्योंकि अभी ये बहुत बड़े स्केल पे नहीं अभी मिली है, शुरुआत है मतलब इसकी। कि जैसे जो इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें नहीं आई है जी। ये एक योजना चलाई गई है सरकार की तरफ से, एक पर्टिकुलर स्वास्थ्य योजना जो कैंसर के लिए चल रही है जी, उसके बजट में थोड़ी सी वैक्सीन आई जी तो जहाँ इस वैक्सीन को जब नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अडॉप्ट किया जाएगा, जैसे पहले हेपेटाइटिस बी थी, पहले नहीं थी सरकारी वाले नेशनल इम्यूनाइजेशन में, तो हेपेटाइटिस बी भी सब अपने अलग से लगवाते थे लेकिन अब पिछले कई सालों से वो नेशनल इम्यूनाइजेशन में आ गई, वो भी पहले बहुत महंगी थी। उसी तरह ये वाली वैक्सीन भी आने वाले कुछ साल में आ जाएगी ऐसा हमको उम्मीद है और सरकार की तरफ से भी ऐसी कोशिशें हैं। एट प्रेजेंट ये नेशनल इम्यूनाइजेशन में नहीं है इसलिए सरकारी अस्पतालों में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, वो एक पर्टिकुलर योजना के तहत थोड़ी सी आती हैं तो ये प्राइवेट में ही हैं और इनकी 3 डोज लगती हैं, 2 कंपनियां हैं, 3 डोजों का जो खर्चा है वो लगभग 6-7 हज़ार पड़ता है। 6-7 हज़ार। अगर मैम इसकी एज की बात करें तो क्या इसकी कोई एज होती है कि इस एज के बाद लगना चाहिए? ये एक्चुअली जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है वो 15-16 साल के बाद शुरू होता है, तो उससे पहले नहीं होता, तो अगर हम ये पहले ही लगा देंगे तो वो इन्फेक्शन नहीं होंगे। बट सपोज ये वैक्सीन बाद में लगी, 22 साल पे लगी जी, तो हो सकता है तब तक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, मतलब ये कई प्रकार का होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि इस बार इन्फ्लुएंजा वायरस का ये वाला स्ट्रेन आया है, इस बार ये वाला, तो इसके भी कई स्ट्रेन होते हैं जी। हो सकता है जो इन्फेक्शन हुआ था वो किसी अलग स्ट्रेन से हुआ था, तो जो वैक्सीन वाली स्ट्रेन है वो वैक्सीन लगाने से अभी भी फायदा देगी क्योंकि वो वाला इन्फेक्शन फिर नहीं होगा। और वैसे HPV वायरस जो है ना ये ऑटो इम्यूनिटी, कोई भी हमें वायरल इन्फेक्शन होते हैं जुकाम खांसी, हम लोग कहते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा 4-5 दिन में जी, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमें ठीक करेगी। उसी तरह से जब सर्विक्स में भी HPV वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हमारी इम्यूनिटी स्टेटस अपने आप उसको ठीक कर देती है जी। अब यहीं पे वो महिलाएं जिनका इम्यूनिटी स्टेटस पुअर है उनमें चांसेस, क्योंकि उनकी अपनी इम्यूनिटी नहीं है तो ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा और उनके कैंसर बनने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, जिनकी जो वीक हैं, जिनमें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है और इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, या जो HIV से या हेपेटाइटिस बी से या जो स्टेरॉइड या कोई दवाइयाँ ले रही हैं, उन महिलाओं में चांस इस इन्फेक्शन के बाद कैंसर का ज़्यादा हो जाएगा तो नॉर्मली भी HPV इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है, बट किसी किसी में ये इन्फेक्शन जब क्लियर नहीं होता है उन्हीं महिलाओं में आगे चल के कैंसर बन सकता है जी। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर, इसी के साथ बात करेंगे, अगर कोई यंग फैमिली में अगर होता है, अगर उसकी फैमिली भी कंप्लीट नहीं होती, अगर मान लीजिए उसमें किसी को अगर सर्वाइकल कैंसर हो जाता है और उन्हें फैमिली अपनी आगे बढ़ानी है, बट इस प्रोसेस में तो बच्चेदानी निकाल दी जाती है, तो फिर वो अपने आगे किस तरह से उसको आप करते हैं? यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हमारे पास यंग पेशेंट आया तो दो कंडीशंस हम सोचें, एक वो कंडीशन जहाँ भी कैंसर बना नहीं है पर हमें कुछ अलग किस्म के ऐसे
उसकी सेल्स दिख रहे हैं, एक एरिया दिख रहा है जहाँ संभावना है कि आगे चल के एक आध साल दो साल में कैंसर बन सकता है। बन सकता है तो हमारे पास कई तरीके हैं। हमारे पास एक ठंडी सिकाई क्रायो सर्जरी है, जी हमारे पास लीप बायोप्सी है जी जिसमें बच्चेदानी के मुंह का वो वाला हिस्सा जहाँ पे हमें ये लक्षण दिख रहे हैं जी वो हिस्सा हम हटा देते हटा हैं। देते हैं जी लेकिन अगर उस यंग, क्योंकि यंग पेशेंट में यही कंडीशन में वो आते हैं जब जी उनके बना नहीं है लेकिन बनने ये बनने संभावना वाला है। है कुछ टाइम हाँ बाद, तो हम पहले ही उस चीज़ को रोक देते हैं और फिर उस रोक के बाद वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर ले। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं जब कैंसर बन गया। अब एक यंग पेशेंट आई है और बाई चांस उसमें कैंसर है और उसने अभी तक अपनी फैमिली कंप्लीट नहीं की है, जी तो अब जो सुविधा है वो ये है कि वो अपना एग फ्रीज करा सकती है, जिसको हम लोग क्रायो फ्रीज कहते हैं। एग, अपने एग्स को पहले ही पिकअप, ओवम पिकअप जो होता है, उसके अंडे उस सर्जरी से पहले, रेडियोथेरेपी से पहले निकाल के फ्रीज करा दिए जाएंगे। अब उसका तो ऑपरेशन हो गया या उसकी रेडियोथेरेपी हो गई, बट वो उसके हस्बैंड के शुक्राणु और उसके अंडे के साथ एक सरोगेट मदर, जी जिसे कहते हैं कि किराए वाली जो कोक ना होती हाँ कोक है, होती है तो जी सरोगेट मदर के अंदर उसके अंडे, उसके एग्स और उसके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ उनका अपना बच्चा हो सकता हो है। सकता है जी बिल्कुल। डॉक्टर्स के साथ अगर हम बात करें कि अगर जो सर्वाइकल कैंसर से जो इफेक्टिव होती है वो ज़्यादातर कौन से केस आपके पास देखी जाती है, कौन सी महिला ज़्यादा आती है, हाउसवाइफ या वर्किंग वुमेन, किस में ज़्यादा देखा जाता है? हाउसवाइफ्स में ज़्यादा होता है क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होती हैं नेचुरली उनका अवेयरनेस लेवल ज़्यादा अच्छा है, उनकी क्लेनलीनेस सेंस ज़्यादा अच्छी है, तो वो एक तो सफाई अपनी मेंटेन करती हैं, दूसरा उनको अगर थोड़ी भी तकलीफ होती है तो उनके लाइक वो तो घर के बाहर भी हैं, उनका अवेलेबिलिटी उन क्लिनिक्स डॉक्टर के पास वो जा सकती हैं। हाँ एक हाउसवाइफ जो अगर घर से कम बाहर निकलती है तो वो डिपेंडेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम है भी तो पहले तो वो उसे इग्नोर इग्नोर करती करेगी हैं। हाँ और फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड से जब दूसरी तीसरी बार कहेगी, उसके हस्बैंड के पास टाइम होगा तब वो लेके जाएंगे, लेके जाएंगे या कभी घर का कोई और सदस्य, कभी सास या कोई लेके जाएंगी। तो उस केस में ये वाले जो पेशेंट्स हैं ये थोड़ा लेट हो जाते हैं जी। दिखाने के लिए तो मतलब इस तरह से मतलब उनका टाइम ज़्यादा हो जाता है, वो इसको इग्नोर वो, करते और रहते वो हैं। लीजन बढ़ जाता है, मतलब जो चीज़ हम जल्दी ठीक कर सकते थे वो बढ़ के कैंसर का रूप भी ले लेता है। जी और कई तो जो कैंसर की महिलाएं जैसे 55-60 साल पे होती हैं तो वो भी छुपाती हैं घर वालों से अपने तकलीफ को, उनको लगता है कि उनकी महावारी बंद हुए तो इतने साल हो चुके हैं और अब हम कैसे, शर्म करती हैं और अपने घर में बताती नहीं है कि उनको गंदा पानी आने लगा है या कुछ उन्हें तकलीफ हो रही है। और जब तक वो बताती हैं तब तक अक्सर ये जो ज़्यादा उम्र वाली महिलाएं होती हैं ना जी ये डेफिनेटली एडवांस्ड कैंसर लेके आती हैं, वो ध्यान नहीं देती हैं, ध्यान भी नहीं देती हैं और शर्म की वजह से जल्दी बताती भी नहीं है, ये भी वो दोनों ही हमारे बात ज़्यादातर है। देखा जाता है, इतनी अवेयरनेस नहीं होती है लोगों में। डॉक्टर्स के साथ अगर हम बात करें खाने पीने की, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या खाने पीने की भी क्या भूमिका होती है कुछ, अगर हम हेल्दी नहीं खाते हैं, लोग आजकल जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो क्या इसका भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है इससे? नहीं नहीं खाने पीने से इसका संबंध नहीं है, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का संबंध नहीं है खाने पीने से। बच्चेदानी का जो बॉडी है, जो यूट्रस की बॉडी जैसे हम लोग कहते हैं, वो एंडोमेट्रियल कैंसर जो होता है वो मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, या मोटापे के साथ डायबिटीज़ एसोसिएटेड होती है, ब्लड जी प्रेशर एसोसिएटेड होता है, जी तो उससे सर्विक्स के कैंसर का तो नहीं एसोसिएशन है, बट सर्विक्स के ऊपर जो बच्चेदानी है उसका, जो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है उसका एसोसिएशन है मोटापा, ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ। जी डॉक्टर आपने इसके इलाज के बारे में बताया था कि इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है, अगर हम बात करें इसके, आप जब डायग्नोसिस को किस तरीके से किया जाता है, कुछ इसके टेस्ट अलग अलग होते जब हैं? हम बायोप्सी लेते हैं जी जिसको आम उसमें बोलते हैं टुकड़े की जांच, जी तो वो बायोप्सी की जांच जब कंफर्म करती है कि ये कैंसर है, उसके बाद उस कैंसर का टाइप भी बताती है, जी फिर उसके बाद हमें सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं जी पता करने के लिए कि ये कैंसर कहाँ तक फैला है या कितना सीमित है, जी फिर हम उसकी स्टेजिंग करते हैं। अगर फैला हुआ होता है तब हमें हो सकता है और भी जाँच की ज़रूरत पड़े। हमारे यहाँ पेट स्कैन की सुविधा अभी नहीं है, लेकिन पेट स्कैन से यह है कि सब पता चल जाता है, पेट स्कैन नहीं है तो एक्सरे चेस्ट कराएंगे, बोन्स का कराएंगे, सीटी ब्रेन कराएंगे कि कहीं ज़्यादा लिवर की सीटी स्कैन होगा कि ज़्यादा फैला तो नहीं है, फिर स्टेजिंग करते हैं। तो उससे हम निकालते हैं कि अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज स्टेज 1 और स्टेज 2A तक होती है, उसके बाद हम एडवांस स्टेज बोलते हैं जहाँ पे हमें सर्जरी नहीं बल्कि पहले रेडियोथेरेपी करानी रेडियोथेरेपी की पड़ेगी। जाती है।
इसकी सर्जरी भी थोड़ी बड़ी सर्जरी होती है, तो अपने आप में उसके भी उसके बाद भी मरीज को तकलीफ थोड़ी सी तो रहती है। जी, इसके साथ डॉक्टर हम बात करें, अगर इसकी अब सर्वाइकल कैंसर, लोग तो कैंसर का नाम सुन के मतलब डर जाते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में अगर बात करें तो भारत में पहले की अपेक्षा लोगों में कितनी अवेयरनेस आई है इसके प्रति? जब हम लोग सर्वाइकल कैंसर बताते हैं तो हर मरीज का यही मतलब साथ वाले का सवाल यही होता है कि मतलब ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, तो फिर हमें ये बताना पड़ता है कि अभी हम फर्दर जांच कराएंगे, उन जांचों से हम बता पाएंगे कि ऑपरेशन से मरीज़ पूरी तरह ठीक हो जाएगी या उसके बाद हमें इसको सिकाई भी करानी पड़ेगी, तो वो ही समझाना पड़ता है क्योंकि कैंसर का नाम सुन के तो सभी परेशान हो ही जाते हैं, नाम सुन के लोग डर जाते हैं डर कि जाते नहीं हैं। कैंसर के इलाज कैसे हो पाएगा, बट अब पॉसिबल है इसका इलाज होना। इसमें कितना टाइम लग हाँ, जाता है अगर इसका पूरा इलाज होता है अब तो? वो एक्चुअली फॉलोअप में चलते हैं। वैसे तो अब कीमो रेडियोथेरेपी है, कीमो रेडियोथेरेपी में हम लोग कुछ दवाई भी देते हैं और रेडियोथेरेपी भी देते हैं, जिससे रेडियोथेरेपी का असर ज़्यादा अच्छा होता है, और अब तो रेडियोथेरेपी भी बहुत एडवांस हो गई है, इसलिए मतलब स्टेज 3 वाले मरीज़ भी अच्छा लाभ उठा पाते हैं रेडियोथेरेपी का। बहुत अच्छे अच्छे नाइफ, गामा नाइफ और सब कुछ आ गया है, जिससे कि हम लोकलाइज्ड एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में हम लोग रेडिएशन देते हैं, तो ठीक होते हैं मरीज़। मतलब अब बेसिकली कैंसर के मरीज़ को हम लोग 5 ईयर सर्वाइवल के हिसाब से लेते हैं, जी तो अब 5 ईयर सर्वाइवल पहले के मुकाबले अब ज़्यादा बढ़ गया है जी सर्वाइकल बिल्कुल। कैंसर का। डॉक्टर्स के साथ हम बात करें, जब अगर किसी मरीज का इलाज चल रहा होता है या उसकी अगर सर्जरी की जाती है, तो उससे पहले क्या आपको इसको प्रिकॉशन कुछ अपनाने होते हैं या उसके बाद कुछ उसको प्रिकॉशन करने होते हैं जब उसका सर्जरी हो जाती है? प्रिकॉशन में तो यही कहेंगे कि उस मरीज़ को लगातार फॉलोअप में रहना होता है, जी हर 6 महीने में उसको, या पहले तो इनिशियली हर 6 महीने में वो 1-2 साल दिखाएगा कि कहीं कोई दोबारा से कैंसर तो नहीं बन रहा या कोई उसे दिक्कत तो नहीं आ रही है। उसके बाद जब वो नॉर्मली आता है तो हम हर एनुअली एक चेकअप उसका रिकमेंड करेंगे, जिसमें कि नीचे से पैप स्मियर लें, उसका एक अल्ट्रासाउंड करा लें, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो CT करा लें, कि बेसिक ताकि अगर कहीं पे कुछ दोबारा से हो भी रहा है तो जी जैसे ही वो शुरू हो हम वहीं पे उसको रेडियोथेरेपी वगैरह करके दबा दें। जी डॉक्टर, आपने बताया था कि 6 मंथ में टेस्ट कराना चाहिए जिसको अगर इसका इलाज चल रहा होता है या उसने करवाया होता है। अगर बात करें किसी आम इंसान की, तो उसको अपना मतलब टेस्ट कितनी बार करवाना चाहिए? जैसा मैंने बताया कि हर साल जब तक 3 नेगेटिव ना आ जाएं, और जी फिर हर 3 साल पे कराना चाहिए रेगुलर चेकअप में, ताकि जो भी चीज़ है वो जल्दी पकड़ में आ जाए और उसका यथोचित समय पे रह के ऐसा इलाज हो जाए कि उसकी बच्चेदानी भी बनी रहे और वो उसे कैंसर का कोई खतरा भी ना रहे। और जी ऐसे के बाद भी हम लोग ये कहते हैं कि हर साल अपने जिसमें हमने ऐसा इलाज किया है, जी जिसमें हमें कुछ ऐसे सेल्स दिखे जो कि एबनॉर्मल थे, तो जी उनको हम हर साल कहते हैं पैप स्मियर कराते पैप रहो। स्मेयर करवाते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, आज हम आपको बता दें, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर ऋचा सिंह, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, जिनसे आज हमने बात की कि सर्वाइकल कैंसर आखिर किस कारण से होता है, क्या वजह होती है और उसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। मगर अभी वक्त चला है आपसे विदा लेने का। डॉक्टर, चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को मैसेज क्या देना चाहेंगे इसके साथ? हम दर्शकों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आप को एक औरत कभी निग्लेक्ट ना करे, अगर उसे लगता है कि उसकी नॉर्मल रूटीन से हटके उसको नीचे से कुछ पानी महसूस हो रहा है या नीचे से कभी मैला ऐसा दिख रहा है आता हुआ, तो तुरंत दिखाए। उसके अलावा अगर आप पॉसिबल है तो हॉस्पिटल में जाके अपने पैप स्मियर की जांच, हर साल ना सही तो कम से कम हर 3 साल पे एक पैप स्मियर की जांच ज़रूर कराती रहें, क्योंकि आप ही एक फैमिली की बैकबोन हैं और आपको अपना ख्याल रखना है। जी बिल्कुल। दर्शकों, फिलहाल आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।